पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम गलत है और आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप अपने आधार कार्ड में अपने नाम को चेंज कर सकें, तो इस वीडियो में मैं आपको बताया था कि किस तरीके से आप एक वैलिड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर आपने वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से उस फॉर्म को UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तो आपके आधार कार्ड में 100% आपका नाम चेंज हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड में अपने नाम को चेंज करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आप टाइप करेंगे myaadhar.uidai.gov.in। टाइप करके आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं टाइप कर लेता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट खुल गई है myaadhar.uidai.gov.in। आपको इस तरीके से टाइप करके आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक 3 डॉट की लाइन मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट है वो डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट में ओपन हो गई है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर आप अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे और सेम कैप्चा कोड आप नीचे फिल करके सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा UIDAI की तरफ से। OTP को आप यहां पर इंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम OTP को यहां पर इंटर कर लेते हैं। OTP को इंटर करने के बाद आप यहां लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैं लॉगिन हो गया हूं। आप इस पर क्लिक करके प्रोफाइल पे आप अपने आधार कार्ड को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आधार कार्ड के बैक पेज को देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहां से हाइड कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट आधार ऑनलाइन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू अपडेट आधार का, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। यानी आप यहां पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस इजीली चेंज कर सकते हैं। तो मुझे अपने आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करना है तो हम यहां पर नेम पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम पर सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड टू आधार पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। आपका जो करेंट डिटेल्स है ऊपर शो करेगा, यानी जो आपका पहले से नाम आपके आधार कार्ड में है वो ऊपर शो करेगा, और जो आपको चेंज करना है आप यहां पर उस नाम को इंटर करेंगे। जो भी आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं नीचे आप डिटेल्स टू बी अपडेट में आप यहां पर नाम इंटर करेंगे। तो चलिए हम यहां पर अपना नाम इंटर कर लेते हैं क्योंकि मुझे अपने आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करना है। तो चलिए हम यहां पर अपना सही नाम इंटर कर लेते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो मैंने अपना नाम इंग्लिश में इंटर कर लिया है और नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में इंटर हो गया है। तो अगर हिंदी में आपका नाम सही नहीं इंटर होता है तो आप गूगल वॉइस की मदद से बोलकर अपने नाम को सही कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। यानी अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट
इनमें से नहीं है तो आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाना है इस पर मैंने पहले से ही एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ और उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप उस पर क्लिक करके और उस डॉक्यूमेंट को कैसे बनाना है आप वीडियो देखकर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और अपने गांव के प्रधानाचार्य से उस पर मोहर दस्तखत करा के आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपके आधार कार्ड में आपका नेम चेंज हो जाएगा। यानी डॉक्यूमेंट में आपको सर्टिफिकेट यानी आपको इस वाले सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करना है और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दे रहा है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। आप इस पर क्लिक करके और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आप कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करेंगे, मतलब चूज एन एक्शन। यानी अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पर भी आप डॉक्यूमेंट को रखे हैं आप वहाँ से रिसीव कर लेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो आप यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे जहाँ पर भी आप अपने आधार कार्ड में चेंज करने के लिए डॉक्यूमेंट को बनाए हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा हूँ, डॉक्यूमेंट पीडीएफ में होना चाहिए और उसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए तभी यहाँ पर आप अपलोड कर पाएंगे, अन्यथा आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस तरीके से पीडीएफ बनाना है, उसकी साइज 2 MB से कम होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ गया है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कंसल्ट देना है तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। कंसल्ट देने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। यानी आपके आधार कार्ड में नाम को चेंज करने के लिए आपको ₹50 फीस देना पड़ेगा तभी आपके आधार कार्ड में आपका नाम चेंज होगा। उसके बाद आप यहां पर कंसल्ट देंगे, कंसल्ट देने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेक पेमेंट का। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यानी आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं आपको ₹50 पे करना होगा नाम को चेंज करने के लिए। तो आप यहां पर कई माध्यम से कर सकते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं या फिर वैलेट के माध्यम से कर सकते हैं या फिर पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर वैलेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे तो हम यहाँ से पेटीएम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP को आप यहाँ पर इंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो आप वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके अपने रिक्वेस्ट हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं कि अभी तक हमारी रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुँची है जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड एक्नोलेजमेंट नंबर का। आप इस पर क्लिक करके अपने एक्नोलेजमेंट नंबर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप अपने आधार कार्ड में अपने नाम को चेंज कर सकते हैं तो इस तरीके से आप एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनाकर आधार कार्ड में अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। साथ ही आधार कार्ड में नाम चेंज करने से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।